हेलो गाइस, कुल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। तो ये जो हमारा एक फंक्शन है, वाई लिखिए, एफ एक्स लीजिए, लिखिए आपकी मर्जी है। एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई। एक्चुअली हम लोग जो एक्स का वैल्यू रखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें वाई का वैल्यू मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन माइनस ग्रेट अपॉन वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो इसका रेंज क्या होगा? जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो समझ लीजिएगा डोमेन हम लोग का, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल द रियल नंबर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए इस फंक्शन को टू बी डिफाइंड? कि हम लोग का डोमेन, तो चलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया हमारा पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब रेंज के लिए हम लोग इन सारे इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, और सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है वो हमें डिफाइन करना है। तो हम लोग हर एक वैल्यू को तो पुट करके नहीं चेक कर सकते हैं, इसी के लिए इसमें हम लोग को कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि, और रेंज एक छोटा सा इंटरवल ही आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे हम लोग एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे जीरो पुट कर रहे हैं, तो जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो यानी जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन वन माइनस जीरो प्लस जीरो, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऐसे में? जीरो ही आएगा। अगर हम लोग वन पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो अपॉन वन, तो इसमें भी हमारा जीरो ही आ रहा है। अब जैसे हम लोग पॉइंट में लेते हैं, जैसे 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अपॉन 1 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा प्लस 1.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज क्या आएगा? 0.5 अपॉन 1.5, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन रखें तो वैल्यूज पुट किए तो 0.3 आ रहा है, जैसे 1 पॉइंट या 2.9 हम लोग पुट कर रहे हैं, 2.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 क्या होगा हमारा? 2 इटसेल्फ हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 2.9। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आया 0.9 अपॉन 1.9, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.4 समथिंग, क्योंकि 9 4 से 76 होता है, 9 5 से 19 5 से 95 होता है, तो उससे हमारा वैल्यू एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग कोई भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो या तो जीरो या 0.4 तक ही जाएगा, क्योंकि आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए तो उसका डेसिमल ही आएगा। यहाँ ऊपर जीरो से 0.0 से लेकर 0.9 तक जाएगा, और यहाँ पर हमारा हर में 1.0 से लेकर 1.9 तक ही जाएगा। आप कोई भी वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा हो जाएगा जीरो, जीरो इंक्लूड होगा क्योंकि हमारा जीरो आ रहा है। कहाँ तक होगा? जीरो पॉइंट, क्योंकि 0.4, 0.4 के बाद कुछ और भी हो सकता है, 0.1, 0.4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 9 तक जा सकता है, लेकिन 0.5 कभी नहीं होगा। इसी के लिए इसे 0.5 तक हम लोग करेंगे ओपन इंटरवल में, ठीक है, क्योंकि 0.5 इंक्लूड नहीं होगा हमारा रेंज में, ये आएगा ही नहीं। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हो जा रहा है? बी आंसर हमारा सही हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे 1.9 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 नहीं है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये पूछ रहा है कि इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इससे मतलब इसमें अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो वो 1 है। क्योंकि जैसे हम लोग 2 लिखेंगे तो जैसे 1.9 तक ये बैक में जा रहा है, हम लोग हमेशा लेफ्ट वैल्यू लेंगे। जैसे 2 3 लेंगे तो वो एक्सीड कर जा रहा है 1.9 से, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के लिए बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट वाले टर्म को लेते हैं। जैसे 2.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा,
माइनस 2.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 हो जाएगा, यस माइनस 3 होगा ना कि माइनस 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ए हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड बी है इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू किसका, ए माइनस बी का, जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक्स वाई सेट रियल नंबर है और जो ये सिंबल है ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब हम लोग, जैसे हमें पता है कि कोई भी वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है, और हम लोग कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, जैसे सपोज किसे सिंपली ले रहे हैं, एक्स को हम लोग मान ले रहे हैं 1.2, वाई को मान ले रहे हैं हम लोग 1.5, जेड को मान ले रहे हैं 1.8। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा हो जाएगा 4.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड क्या होगा हमारा, ये भी 1 होगा। तो इसमें x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और हमारा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा वैल्यू आ रहा है 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए है हमारा 4 एंड बी क्या है हमारा 3, तो 1 आ रहा है आंसर। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है अभी। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ग्रेटेस्ट हम लोग नंबर ले, जैसे x के जगह हम लोग यूज़ करें 1.9, y में भी हम लोग यूज़ करें 1.9 या 2.9, कुछ भी आप ले सकते हैं 2.9, z में हम लोग यूज़ करें 3.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 1 ही रहेगा, y का भी क्या रहेगा 2 रहेगा, एंड z का क्या रहेगा 3 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड है हमारा वैल्यू ऑफ बी। उसी प्रकार जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1.9 प्लस 2.9 प्लस 3.9, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 7, यहाँ पर 2 आ जाएगा, वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 8.7, ठीक है। और इसका जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 आएगा। तो जब हम लोग a माइनस बी, तो जब हम लोग करेंगे a माइनस बी तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, और यही हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर यही हो जाता है। और हमें इंस्टेंटली निकालना हो तो ध्यान रखिएगा जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से n माइनस 1 कर दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे हमारा उसमें था मॉड x प्लस सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो जितने वेरिएबल्स हैं उतना ही हमें n माइनस 1 कर देना है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाता है, 2। वैसे ही 4 होते z प्लस a भी रहता, b भी रहता, जितने होते हैं उतने n माइनस 1 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा। इन सारे डोमेन रेंजेस के केसेस में आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा, जहाँ से जहाँ तक वैलिड होगा वो आपको सेटिस्फाई, अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो बता देगा, और नहीं कर रहा है तो हम लोग उसे लीव कर देंगे, वो ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ये लॉग ऑफ 2 का पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर, एंड लॉग में जब पावर्स रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 एंड 2 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1/2। ये 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा ऊपर एंड 4 डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 1/2। तो लॉग फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमें पता है कि ये नेगेटिव नंबर्स नहीं लेता है एंड
और हमारा कंडीशन क्या लगेगा कि ये क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमारा इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं आएगा। तो जब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं वन, तो वन पुट कर रहे हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि जीरो रूट अंडर जीरो सेटिस्फाई करता है। वहीं पर अगर ये फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है ये अगर वन अपॉन दिस फंक्शन होता तो यहाँ पर हम लोग वन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उस केस में हम लोग वन यूज नहीं कर पाते। तो जब हम लोग टू यूज कर रहे हैं तो वन आ रहा है, टू सेटिस्फाई कर रहा है। थ्री यूज कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर यूज करेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नेगेटिव कभी इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जीरो भी इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये x तो इसमें कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी वैल्यू रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो ये इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कारण ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही बचेगा जो ये वैल्यू है b। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से जितने भी बड़े 1 एंड उससे जितने भी बड़े नंबर हैं सब इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। तो हमें फंक्शन दिया है 1 अपॉन log 10 मॉड ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस x, बेस 10 है एंड प्लस √x+2। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को दोनों का डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन निकालेंगे, इसका भी डोमेन निकालेंगे एंड जो इंटरसेक्शन आएगा दोनों में वो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसे भी बताया डायरेक्ट आप ऑप्शन में चले जाइए। तो जैसे हम लोग -3 पुट कर रहे हैं या -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये सब तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन -3 के यहाँ पर पुट करने से क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? या -2.5 नेगेटिव आ जा रहा है, आयोटा आ जा रहा है, इसीलिए ये तो हमारा नेगलेक्ट ही हो जाएगा। क्या ये 0 एंड 1 सेटिस्फाई करेगा? इस स्क्वायर ब्रैकेट का अपोजिट का मतलब होता है, इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, तो ये इसे सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भी इसमें भी इन्वॉल्व है और इसमें भी इन्वॉल्व है। अब हमें ये चेक करना है कि -2, 0 क्या इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर हम लोग -2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो हमारा 3 आ जाएगा, तो log 3 upon log 3 base 10 हमारा सेटिस्फाई करेगा। अगर -2 यहाँ पर पुट कर रहा है तो √0 आएगा जो डिफाइन होता है, यानी ये हम लोग का जो वैल्यू है बी, ये हमारा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और इन सब वैल्यूज को हम लोग चेक करके देख रहे हैं तो ये सब इसे इनवैलिड कर रहे हैं। जब हमारा वन ऑफ दिस है सॉल्यूशन तो हम लोग नन ऑफ दिस को नहीं चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। fx इज इक्वल टू 1 upon √(x − x)। इस फंक्शन का हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये रूट है इसीलिए आयोटा हम लोग को नहीं लाने देना, तभी ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। दूसरा, यहाँ इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी हम लोग का एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इससे हम लोग |x − x > 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए? इन्फिनिटी का केस हटाने के लिए, और नेगेटिव नंबर हमें नहीं लाना है तो आयोटा भी हट जाएगा। तो इसका दो केसेस होगा। केस फर्स्ट, एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स हमारा x − x क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन मिला है, फिर एक्स विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल है। और केस हमारा जो सेकेंड है वो क्या बोलता है? x हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए। x लेस देन जीरो मतलब यहाँ पर मॉड x का मतलब क्या होता है? अगर वो पॉजिटिव मॉड x, अगर इसका दो होगा, या तो पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा है तो वो
जैसे पॉजिटिव है तो x रहेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा है तो वो माइनस एक्स से हमारा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एक्स इज लेस देन जीरो। क्या होगा, अब वापस हम लोग नेगेटिव से वापस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये एक्स बचेगा और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन जीरो आएगा। यहाँ हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस टू एक्स को यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएंगे और जीरो को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, फिर टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टू है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड जीरो हो जाएगा। नेट रिजल्ट हमें मिलेगा एक्स इज लेस देन जीरो। तो डोमेन इस केस में हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। तो जब हम लोग इसे रियल लाइन में प्लॉट करेंगे तो हमारा पहले तो क्या था कि हमारा जो ये फंक्शन है डिफाइन होने के लिए पहले ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये ज़ीरो है तो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी इस पोजीशन में, और ये बोल रहा है हमारा ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी यहाँ या इस पोजिशन में, और ये बोल रहा है कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, जीरो भी, मतलब इसका कोई डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इस फंक्शन का डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नॉट पॉसिबल आ गया है और इनका इन तीनों का इंटरसेक्शन हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो जब डोमेन ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन तो मिलना चाहिए ना, जब तक हमें डोमेन नहीं मिलेगा तो रेंज कहाँ से आएगा, तो ये भी हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बताता है, हमें राइट साइड जो हमारा लेफ्ट साइड वाला वैल्यू होता है वो हमें देता है। तो जैसे यहाँ पर 1.2 है एंड 1/100, तो एक्चुअली में ये क्या देगा हमारा 0.5 प्लस 0.01। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कब तक, तो नेट रिजल्ट क्या होगा 0.51। तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, एक्चुअल में ये वैल्यू हमें जीरो ही देगा। तो वन हमें कब मिलेगा, वन हमें जब 0.5 प्लस हमारा 0.5 होगा, और ये 0.5 कहाँ होगा, 0.5 हमारा 50/100 में होगा जो 1/2 होता है। तो 0.5 से हमारा क्या 0.5 प्लस 0.5 वन, तो वन मिलते जाएगा, कहाँ तक हमें वन मिलेगा, तो ये हमारा 99/100 है। तो 0.5 से ये जो हमारा 50 से हमारा 99/100 तक हमें क्या वैल्यू मिलते रहेगा, वैल्यू हमें वन ही मिलते रहेगा यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए, 50 हो गए, और यहाँ पर सारे वैल्यूज हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर सारे वैल्यूज हमें ज़ीरो ही मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 50 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग एक्सटेंड करते 200 तक करते, यहाँ नीचे हम लोग 200 तक करते और ऊपर 199 करते, तो इस केस में भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। 99 तक तो हमें 100 मिलेगा, ये सॉरी 1 मिलते रहेगा, फिर वहाँ से हमें जैसे ही हम लोग 100/100 करेंगे 1.5 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को, क्योंकि 100/100 1 मिलेगा और यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5, तो ये हमें क्या दे रहा है 1.5, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा 1 कहाँ तक आएगा, जब तक हमें 2 नहीं मिले। 2 कब मिलेगा, जब हमारा ये जो यहाँ पर वैल्यू है ये 1.5 होगा, तब भी हमारा 1.5 प्लस 0.5 हमारा 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऐसे करके हमें वैल्यूज़ मिलेगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा जब हम लोग 1/2 प्लस 199/200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 1/2 प्लस 1/100 से, तो इसका हमारा वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।